चीन ने पूर्वी लद्दाख के पेंगोंगसो के दक्षिणी हिस्से में स्पैंगुर गैप में हजारों सैनिकों, टैंकों और होविट्सर तोपों को जुटा लिया है। चीनी सैनिक भारतीय जवानों से राइफल रेंज के भीतर यानी चंद कदमों की दूरी पर तैनात हैं। सूत्रों का कहना है कि चीन की ओर से की गई इस तैनाती के बाद से भारतीय सैनिक भी हाई अलर्ट पर हैं। भारतीय सैनिकों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चुशूल के पास पेंगोंगसो के दक्षिणी तट के पास सामरिक लिहाज से महत्वपूर्ण ऊंचाइयों वाले क्षेत्रों पर अपनी पहुंच स्थापित कर ली है। इसके बाद चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने 30 अगस्त से स्पैंगुर गैप में उत्तेजक सैन्य तैनाती की है, जो कि गुरुंग हिल और मागर हिल के बीच स्थित है। एक सरकारी अधिकारी की माने तो चीनी PLA टुकड़ी और हथियारों की तैनाती को देखते हुए भारतीय सेना ने भी स्पैंगुर गैप में उनकी बराबरी की तैनाती कर ली है। दोनों देशों की सेना और बंदूकें शूटिंग रेंज के भीतर चंद कदमों की दूरी पर हैं। इसके अलावा सूत्रों ने कहा कि चीन ने सीमा के क्षेत्रों पर अपनी पकड़ मजबूत करने और तिब्बत क्षेत्र को स्थिर करने के लिए अपने मिलिशिया दस्ते तैनात कर दिए हैं। उन्हें सामरिक लिहाज से महत्वपूर्ण ऊंचाई वाले क्षेत्रों से भारतीय सेना के सैनिकों को हटाने का काम सौंपा गया है। मिलिशिया पर्वतारोहियों, मुक्केबाजों, स्थानीय फाइट क्लबों के सदस्यों और बाकी लोगों का एक अनियमित मिश्रण है। इसके अधिकांश सदस्य स्थानीय आबादी से लिए जाते हैं। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि मिलिशिया मूल रूप से चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी का ही एक आरक्षित बल है। वो युद्ध के समय की स्थितियों में तैनात किए जाते हैं और PLA उसके सैन्य अभियानों में मदद करने के लिए तैनात है। अधिकारी ने यह भी बताया कि चीनी मिलिशिया भी स्वतंत्र संचालन करती है और PLA को युद्ध समर्थन और जनशक्ति की भरपाई प्रदान करती है। भारतीय सेना ने स्पष्ट रूप से दोहराया है कि अगर चीनी सैनिक भड़काऊ सैन्य कदम उठाते हैं तो सेना जवाबी कार्रवाई करेगी। सूत्रों के हवाले से आई खबर के मुताबिक पेंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर PLA के सैनिकों ने फिंगर फोर के क्षेत्र पर यथास्थिति बदलने और कब्जा करने की मंशा को जारी रखा हुआ है। इसके साथ ही भारतीय सैनिकों ने स्थिति को भांपते हुए इलाके के कुछ ऊंचाइयों वाले क्षेत्रों पर अपनी पहुंच स्थापित कर ली है। एक सूत्र ने कहा, हमारे सैनिकों ने PLA के कब्जे वाले स्थानों को देखते हुए कुछ ऊंचाइयों वाली जगहों पर पहुंच स्थापित की है। झील के उत्तरी किनारे को 8 फिंगर्स में विभाजित किया गया है। भारत फिंगर 8 तक के क्षेत्र को वास्तविक नियंत्रण रेखा मानता है और फिंगर 4 तक के क्षेत्र पर उसकी पकड़ बनी रही है, लेकिन चीनी यहाँ भी यथास्थिति बदलने के प्रयास में है। यही वजह है कि चीनी सैनिक फिंगर 4 पर शिविर लगा रहे हैं। तनाव को कम करने के लिए भारत और चीन की सेनाएं लगातार बातचीत कर रही हैं। हालांकि शनिवार को चुशूल में हुई बातचीत का भी कोई नतीजा नहीं निकला, लेकिन दोनों पक्ष उच्च सैन्य स्तर पर बातचीत के लिए भी सहमत हैं। भारत और चीन की सेना पूर्वी लद्दाख में पिछले 4 महीने से आमने सामने, कई स्तरों के संवाद के बावजूद कोई सफलता नहीं मिली है और लगातार गतिरोध भी जारी है। बहरहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, कॉमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।